एक्सक्यूज मी गर्ल्स, वहां डांस प्रैक्टिस चल रही है और तुम यहां घूम रही हो, जाओ जाओ। तो कैसा लगा मेरा टच? रात भर नींद नहीं आई होगी। इसी तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहे तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। ओ, मुझे डरा रही हो? नहीं, बता रही हूँ। माधवी, डॉटर ऑफ बवंडर बिहारी। राजा, बेटिंग राजा, बॉर्न टू लव। हम प्यार के लिए कुछ भी करेगा। प्यार करोगे और मुझसे? बुरी तरह हारोगे। हा? चम्मक छल्लो, मैं लाइफ में आज तक कभी हारा नहीं हूँ। इस तरह क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि बात करोगी तो प्यार हो जाएगा? सड़क छाप मजनू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन सड़ी गली सड़क छाप ट्रिक से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? जीत तुम्हारे खून में है ना? और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आई लव यू कहूँ तो इसके लिए 3 टेस्ट देने होंगे। मतलब लव टेस्ट? जो चाहे नाम दे दो। नो प्रॉब्लम, मैं डिस्टिंक्शन से पास हो जाऊंगा। कल मेरी पूरी फैमिली शॉपिंग के लिए जीवी के मॉल जाने वाली है, तब तुम्हें मेरे डैडी और सिक्योरिटी के सामने मुझे लव लेटर देकर प्रपोज करना होगा, फिर मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में। कहीं इसी बहाने मुझे टपकाने का प्लान तो नहीं है ना? All is fair in love and war, है ना? अंग्रेजी में मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ, पर प्यार में पक्का हूँ। हमारी लव स्टोरी का पहला पन्ना कल लिखूंगा, तो कल मॉल में मिलेंगे। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड से पिटे या तुमने उन्हें मारा तो तुम हार जाओगे। शर्त के अंदर शर्त। ओके, चल देख लेंगे। आई विश यू वेरी बैड लक, बाय। डैडी मुझे गिफ्ट में क्या देंगे? तुम कहो तो पूरा मॉल ही तुम्हें गिफ्ट कर दूं। थैंक यू डैडी। Hey, Bovander! कौन है तू? वहां आकर बताऊं या यहीं से चिल्ला कर बोलूं? सुनो, उसे यहां आने दो। बवंडर बिहारी, इतनी सारी सिक्योरिटी, इतने बॉडीगार्ड्स, इतनी बंदूकें, इतने गुंडे, बाथरूम जाते हो तो इन्हें साथ लेकर जाते हो? हे, जानता है तू किससे बात कर रहा है? जानता हूँ बे, बवंडर। बॉडी के हिसाब से नाम में दम है, लेकिन मेरे आगे तो पानी कम है। साले, तुझे इधर ही ठोक दूंगा। हे, बंदूक नीचे। है कौन तू? राजा, बैटिंग राजा, आदमी कम रिस्क ज्यादा। चाचा जान, पता नहीं आपकी बेटी को कब और कहां देखा, पर देखते ही फ्लैट हो गया। मुद्दे की बात करता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपके सामने आपकी बेटी को प्रपोज करने आया हूं। बेबी, दूध में चावल मिले तो खीर कहते हैं, और तुम जैसी प्रेमी मिले तो तकदीर कहते हैं। आई लव यू। खत्म कर दो इसे। हटो हटो हटो, देसी बकरा चैनल आ गया। सॉरी सर, ये था एक रियलिटी शो, आज के देसी बकरा आप बने हैं। हम लोग टीवी में आएंगे? हाँ। यस बेबी। सर सर, हम स्पेशल एपिसोड शूट कर रहे हैं सेलिब्रिटी पर, ये संडे टेलीकास्ट है। हाँ सर, आपको बकरा बना दिया। सॉरी सर, आपके धासु परफॉर्मेंस के लिए आपको इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? सब एक्सेल। तालियां तालियां। तेरी तो। इस प्रोग्राम का डायरेक्टर कौन है? वो रहे मैं। कॉन्सेप्ट कंसीव्ड एंड डायरेक्टेड बाय वीवी पुरी। इसी सर्फ एक्सेल से इसकी धुलाई करो। ये नाक नक्शा कैसे बिगड़ गया? ब्लैक एंड व्हाइट। आज कपड़ों के साथ साथ मैं भी धुल गया। तुम अपने कपड़े धोते क्यों हो? मेरी बहन से शादी कर लो, वो तुम्हारे कपड़े धोएगी। तुम्हारी बहन मेरे कपड़े धोएगी? क्या हुआ भैया? तुम्हारी बहन जो कपड़े पहनती है ना, उसे कपड़े नहीं तंबू कहते हैं। उसे ही धोने में पूरा दिन लगेगा। कहाँ जा रही हो? प्रैक्टिस का टाइम है। गुड, कॉफी कॉफी।
चलो बाय। सफेदी की चमकार, कहानी में ट्विस्ट कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही चीप ट्विस्ट था। पर वो क्यों? क्यों मतलब? अपनी हीरोइज्म तो दिखाई नहीं, टीवी शो का सहारा लिया और पिटाई किसी और की हुई। क्या करूं प्रीतम प्यारी, तुमने कंडीशंस अप्लाई किया, मैंने कॉमन सेंस अप्लाई किया। ये तो बहुत आसान था, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट में मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें रोज दूंगा। मेरे घर आओगे? चाहो तो बेट लगा लो। चार फ्लोर्स, 8 हॉल्स, 20 बेडरूम्स और 200 सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी डे नाइट गन्स के साथ। तुम मेरे घर आओगे, मुझे रोज दोगे, प्रपोज करोगे? डेफिनेटली, घोड़े की रफ्तार से आऊंगा, शेर की तरह तेरे घर का दरवाजा भी तोड़ूंगा और तेरे आदमियों को कुत्ते की तरह मारूंगा। ओके डन, तुम किसी को भी मारो पर कोई तुम्हें ना मार पाए। मुझे ये शर्त मंजूर है, अगर मुझे किसी ने भी मारा या मेरे खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो अपना लव का चैप्टर क्लोज कर दूंगा। देखेंगे। तुम देखोगी, तुमने रियलिटी शो तो देख लिया, अब रियल शो दिखाता हूँ। अगेन आई विश यू वेरी बैड लक। थैंक यू। वो आएगा या नहीं, इतनी हिम्मत है उसमें? हे, तू वही है ना जिसने रियलिटी शो में बॉस को बकरा बनाया था? इस बार रियल शो दिखाने आया हूँ। या मेरी स्वीट हार्ट, दिल की धड़कन, मेरी जाने मन को ये रोज देने आया हूँ। हे बी, आ तो गया पर आगे बढ़ के दिखा। हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। तू काटे की तरह बीच में आया तो भी ये गुलाब उस गुलाब को दूंगा। एक कदम भी आगे बढ़कर दिखा। ए, तेरे लिए एक बम्पर ऑफर है मेरे पास। मेरा एक भी कदम रोका ना तो जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस लौट जाऊंगा। सुनो ए, तूने जो ऑफर दी है वो मुझे मंजूर है, चल आगे बढ़कर दिखा। आगे बढ़, इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ आगे बढ़। ए, मैंने कोई जोक कह दिया क्या? इस तरह क्यों हंस रहा है? जोक ही तो है, ताड़ की तरह लंबा है, फूला हुआ सीना, शेर की तरह जिगर, बाघ की तरह जोश, और तेरी चाल भी किसी चीते से कम थोड़ी है। पर इतना सब होने के बावजूद तू मुझे गन दिखा रहा है, इसका मतलब बॉस तू ब्लडी फूल है और मैं तुमसे पावरफुल हूँ। गन नीचे रखो, गन नीचे रखो, गन नीचे, गन नीचे। ज्योतिष ने कहा था आज का दिन हमारे लिए अशुभ है। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। चलो गन डालो इसमें, डालो गन, गन डालो इसमें। ए, 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 अंदर जाएगा तो चलेगा पर इसका गुलाब नहीं जाना चाहिए। राजा, बैटिंग राजा, आदमी कम रिस्क ज्यादा।
यस बॉस। ये सब क्या है, किसने किया ये सब? वो टीवी चैनल वाला आया था, मैडम को रोज देके चला गया। वो रोज दे रहा था और तुम लोग क्या कर रहे थे? बॉस, हमने उससे रोज छीनने की कोशिश की, हमने उसे मारने की भी कोशिश की। इस तरह से कोशिश की? बिल्कुल इसी तरह मारा था बॉस। ओके गर्ल्स, बाय बाय, सी यू टुमारो। या देखा तुमने, आंखें मेरे प्यार में गिर गई ना। लेटर और फूल दोनों दे दिया, अब तुम आई लव यू कब कहोगी? मेरे डैड तो घर पर नहीं थे, उसी वक्त आकर मुझे फूल देना कोई हीरोगिरी नहीं है। मैं इंप्रेस नहीं हुई। अच्छा, जरा लेफ्ट टर्न मारना तो। तुम्हारे कार्बोरेटर में तो कचरा भरा है। नेक्स्ट टेस्ट में बाप के पीछे नहीं, उसके सामने से तुम्हें उठा ले जाऊंगा, वो भी एक दो घंटों के लिए नहीं, पूरे एक दिन के लिए। और तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। इम्पॉसिबल, सिक्योरिटी डबल हो गई है और हथियार ट्रिपल। अरे मेरी लाल छड़ी, एक बार जो मैंने सोच लिया वो सोच लिया, फिर चाहे बंदूकें हो या तुम्हारे पालतू कुत्ते, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारी उस सिक्योरिटी को पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं तुम्हारे घर के अंदर आया और कब तुम्हें लेके वहाँ से उड़ गया, और तुम्हें घर फिर से मैं ही ड्रॉप करूंगा। तुम्हारा लव ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस बार तुम किसी को भी मार सकते हो और वो तो तुम्हें मार ही सकते हैं। अगर फिर भी सही सलामत बच गए तो सोचूंगी। अरे मेरी आटे की बनी हुई मैदे की रोटी, आई लव यू कहने के लिए रेडी रहना। आई विश यू वेरी गुड लक। सर क्लियरेंस जल्दी हो जाएगा। ए गुलाटी। यस बॉस। वो लड़का जो शॉपिंग मॉल में मिला था और घर पर आया था, वो किसी भी वक्त कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दो। जरा गॉगल्स निकाल ताकि पता चले कि तू देख भी सकता है कि नहीं। अगर निकालोगे तो मुझे दे देना। बाय डैडी। बाय बाय बेटा। जा भगा उन्हें, इनके मुंह कौन लगेगा। चलो निकलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ गई? हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ ले जा रहे हो? लव के लॉन्ग ड्राइव पर मैडम। तुम अंदर कैसे आए? आइए मैडम। माय सन। ये कौन है? ये है फादर पीनट और मैं इनका चेला फादर प्रोमोग्रेनाइट। आप हमारी कार में कैसे आए? नो योर कार, ये हमारी कार है। काइंडली चेक पिछू की नंबर प्लेट। हम चर्च जा रहे थे तभी तुम्हारी और हमारी कार ट्रैफिक में बदल गई। तुम दोनों जुड़वा भाई हो क्या? हम दोनों अलग अलग माँ के जुड़वा बेटे हैं। स्टॉप दोस टीयर्स, कम नियर, बॉस तुम्हारा बैंड बजाने वाले हैं, यू जस्ट टेक केयर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, वो मेरे सामने गाड़ी में गई पर रास्ते में ही गायब हो गई। मैं कहता हूँ ढूंढो उसे। हे, गाड़ियाँ निकालो। चीज़ तुम कहा था ना, तुम्हारी सिक्योरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो कॉलेज, नो सिक्योरिटी, नो गन्स। आज अपनी जिंदगी जी भर के जी लो।